और ये अघोषित आपातकाल से अगर कोई मुक्त कराएगा तो ये 2024 का चुनाव इस देश को आपातकाल से मुक्त कराएगा, निर्णय आपको करना। साहस है पूछो जाके उत्तर प्रदेश के उस नेता से कि कौन सा पैरवी पर तुम्हारा हुआ, उसको वोट से क्या लेना देना है भैया, अरे उसको वोट से क्या लेना देना है। ऐसा क्रेडिट खाली आप अपने खाता में काहे डाल जाते, ऐसा क्रेडिट खाली आप अपने खाता में काहे डाल जाते। रोजगार देने का तरीका है कि चुनाव में आइए और भाषण दीजिए और कहिए कि हम 2 करोड़ प्रति वर्ष लोगों को रोजगार देंगे, और जब देने का बारी आया तो 0 बटा 0। नीतीश कुमार जी से प्रशिक्षण ले कि कैसे काम किया जाता है। हम लोग तो लोकसभा में और राज्यसभा में हल्ला करते करते थक गए, काम करने की बात तो छोड़ दीजिए। केंद्र की सरकार बिहार का और देश के हक में एक भी बात जो गरीबों के हक में है वो सुनने के लिए भी तैयार नहीं है, करने की तो बात नहीं, इसे करना नहीं बात बनाना है। बात सुबह से शाम तक टीवी देखते हैं ना, टीवी देखा हो ना, तो गांव में टीवी हो ना सबके, आप तो बिजली चल गए गाँव में तो सब लोग टीवी देखते हो, क्या देता रहता है भोरे से शाम तक प्रवचन, भोरे से शाम तक प्रवचन। और वही प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि हमने गरीबी हटा दिया, और 88 लाख परिवार आज भी इस देश में गरीब है, ये वही कह रहे हैं कि हम गरीबों को मुफ्त अनाज दे रहे हैं। अरे आप कौन सा अनाज दे रहे हैं भैया, तो राज्य सरकार का जो हक है वही दे रहे, आप कौन सी दे रहे, कुछ नहीं दे रहे। आजकल एक बात जरूर है, आजकल नया एगो फैशन चला, आजकल एगो नया फैशन चला, सुबह से शाम तक टीवी खोलिएगा तो राम मंदिर की चर्चा हो रही, बहुत अच्छी बात है, राम मंदिर की चर्चा करें टीवी, टीवी वाले लोग भक्ति मैं करें पूरा देश, लेकिन राम तो सबके दिल में बसते हैं, हम लोग तो उसमें विश्वास करते हैं, सर्व धर्म का सभी धर्मों का सम्मान करते हैं, सभी धर्मों के प्रति आदर का भाव रखते हैं, हम सब लोग तो सभी धर्मों के प्रति आदर का भाव रखते हैं, और हम सब लोग रामनवमी में अपने अपने घर पर ध्वजा गाड़ते हैं और रामनवमी का पूजा करते हैं। राम के तो सब लोग भक्त है, राम तो सबके सीना में, बजरंग बली के तरह अगर आप हम कोई सीना चीर के दिखाएगा तो राम उसमें नजर आएगा, उसको वोट से क्या लेना देना है भैया, अरे उसको वोट से क्या लेना देना है। राम तो सब लोग के हैं भगवान, इसका 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 जो मार्केटिंग करके इसका क्रेडिट खाली आप अपने खाता में काहे डाल जाते हैं। नीतीश कुमार जी ने तो यहाँ पुनौरा धाम है सीतामढ़ी में, वहां सीता जी का मंदिर है, वहां सीता जी के मंदिर का पूरा जीर्णोद्धार कराने का काम नीतीश कुमार जी ने किया, तो कहां नीतीश कुमार जी उसका प्रचार कर रहे हैं कि हम इसका काम यही काम कर दिए, कहां दिन भर भोरे से शाम तक टीवी में प्रचार करते हैं, लेकिन टीवी चैनल के लोग को भी क्या करेंगे, यहाँ जो पत्रकार लोग हैं कई कई चैनल के होंगे इनसे कोई शिकायत नहीं है, इनका तो कोई काम ही नहीं बेचारे का, क्या करेंगे, ये कुछ भी भेजेंगे उसको आप फाड़ के फेंक दिया जाए, उसको आप फाड़ के फेंक दिया जाए, और इनको वहां से आएगा कि यही चलाना है, तो ये मजबूर है क्या करेंगे, नहीं करेंगे इनके मालिक के यहाँ सीबीआई पहुंच जाएगा, इनके मालिक के यहाँ ईडी पहुंच जाएगा, इनके मालिक को इनकम टैक्स का नोटिस मिल जाएगा, ये भी बेचारे डरे हुए हैं। इस देश में अघोषित आपातकाल है, इमरजेंसी है, किसी को भूलने की आजादी नहीं है, किसी को काम करने की आजादी नहीं है, और ये अघोषित आपातकाल से अगर कोई मुक्त कराएगा तो ये 2024 का चुनाव इस देश को आपातकाल से मुक्त कराएगा, निर्णय आपको करना, कोई काम आपने नहीं किया केंद्र सरकार, आप बताइए महंगाई है कि नहीं बढ़ा हुआ, बोले आप लोग हाथ उठा के कि महंगाई हो कि नहीं हो, अरे बोले महंगाई है कि नहीं है, कभी टीवी पर चर्चा सुने हैं कि महंगाई कैसे कम किया जाए, इस पर आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार का कोई मंत्री
लिए एक शब्द बोलता हो कि हम महंगाई पर कैसे नियंत्रण करेंगे? नहीं बोलेगा, नहीं बोलेगा। इसलिए वहां तो काम करना है, वहां तो काम करना है। इस देश में बेरोजगारी है, रोजगार के लिए नौजवान पास करके भटक रहे हैं। आप बताइए पूरे देश की केंद्र की सरकार ने किसी को रोजगार दिया है क्या? हम दुनिया के बताइए अगर किसी को मिला हो तो। नहीं मिला है। नीतीश कुमार जी रोजगार दे रहे हैं, लगभग 3 लाख शिक्षकों की बहाली पिछले 3 से 4 महीने हुई। रोजगार देने का तरीका ये ना है कि रोजगार देने का तरीका है कि चुनाव में आइए और भाषण दीजिए और कहिए कि हम 2 करोड़ प्रति वर्ष लोगों को रोजगार देंगे, और जब देने का बारी आया तो 0 बटा 0 सन्नाटा। भूल जाइए उसके बाद, याद मत करिए। और उनके एक मंत्री है सिपा सलार, भारत गृह मंत्री, उनसे जब टीवी चैनल वाले पूछेंगे तो कहेंगे कि अरे चुनाव के टाइम में ये सब तो जुमला कहा जाता है। नीतीश कुमार जी आपके सांसद रहे, 5 टर्म आपके सांसद भी रहे नीतीश कुमार जी। आप में से एक आदमी बताइए कि कभी नीतीश कुमार जी ने सांसद के रूप में और 18 साल से बिहार के मुख्यमंत्री है, कभी उन्होंने कोई जुमला कहा हो? जो काम करते हैं वही वो बोलते हैं, जो बोलते हैं वो काम के पहले नहीं बोलते। ये अंतर है, ये अंतर है काम करने का तरीका। तो देश के आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को तो कुछ दिन संन्यास ले लेना चाहिए राजनीति से, और राजनीति से संन्यास लेके बिहार के मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी से आग्रह करना चाहिए कि हमको अपने अंडर में 1 साल का ट्रेनिंग दे दीजिए कि कैसे काम किया जाता है और कैसे काम करके सर जमीन पर उतारा जाता है। उनको तो चाहिए नीतीश कुमार से ट्रेनिंग, नीतीश कुमार जी से प्रशिक्षण ले कि कैसे काम किया जाता है। बिहार में नीतीश कुमार जी ने 19 साल में जो काम करके दिखाया, आपका बेलची का सड़क नहीं हाल था जी, कौन हाल में है वो बेलची के सड़क? सक्सोहरा बाढ़ से सक्सोहरा सड़क कैसे था? आज देखिए चकाचक 70 के स्पीड में हरनौ से 10 मिनट में आप पहुंच जाते हैं। पटना से हम लोग चले 1.25 घंटा में पहुंच गए बेलची। ये काम करने का तरीका इसको सीखना चाहिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी को। ये सब काम धंधा छोड़ के नीतीश कुमार जी से ट्रेनिंग लेना चाहिए कि कैसे काम किया जाता है और कैसे जनता की सेवा की जाती है। बात बनाने से जनता का सेवा नहीं होता है, काम करने से जनता का सेवा होता है, और यह काम नीतीश कुमार जी ने 18 वर्षों में करके दिखा दिया है, और 18 साल में नीतीश कुमार जी ने सर जमीन पर काम करके दिखा दिया। घर का बिजली लग गया, 15 में वादा किया नीतीश कुमार जी ने, 15 में उन्होंने वादा किया कि हम हर घर बिजली पहुंचाएंगे, और अक्टूबर 2018 में 3 साल के अंदर बिहार के हर गांव में बिजली पहुंच गई। नीतीश कुमार जी ने वादा किया कि हर गांव में हम नल का जल पहुंचाएंगे, नल का जल पहुंच गए। नीतीश कुमार जी ने बिहार का सड़क सुधार दिया, बिहार की बिजली व्यवस्था सुधार ली, 22 घंटा 20 घंटा बिजली रहता है। देखिए काम करके नीतीश कुमार जी ने दिखाया, परिवर्तन करके दिखाया बिहार में। आपको परिवर्तन करके दिखाया, कौन सा परिवर्तन करके आपने दिखाया, कौन सा काम आपने किया है? कोई किसी को हिम्मत है, साहस है ये करने का कि ये काम हमने करके दिखा दिया है इस देश में? सिर्फ कहना हमने गरीबी हटाने का काम कर दिया, हमने बेरोजगारी दूर करने का काम कर दिया। बड़का बड़का विज्ञापन आजकल देखते हैं छपता है, आदरणीय प्रधानमंत्री ने रोजगार मेला लगाया, बड़का बड़का पूरे देश में विज्ञापन छपता है। जितना आदमी को नौकरी नहीं देते हैं उतना से ज्यादा विज्ञापन में खर्चा होता है, और नौकरी मिलता है कितना है? पूरे बिहार में 232 आदमी, और वही 232 आदमी कौन? जो पहले से वहां कैजुअल लेवल में कैजुअल काम कर रहा है उसी को परमानेंट करके रोजगार में। अरे भाई, अरे भैया, अभी तो कई लोग आए बिहार में जो शिक्षकों के बहाली में बड़ा हल्ला किए, बहुत हल्ला किए शिक्षकों की बहाली में, बड़ा ये हुआ वो हुआ। जलंत का भी कोई लाइव है? हम तो कहे कि उत्तर प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के
एक नेता की पुत्री का भी बिहार के लोक सेवा आयोग में शिक्षक है, उसकी नियुक्ति हुई। साहस है, तुमसे पूछो जाके उत्तर प्रदेश के उस नेता से कि कौन सा पैरवी पर तुम्हारा हुआ। नीतीश कुमार जी ने तो पूरे पारदर्शिता के साथ सभी परीक्षाओं को लेने का काम, पारदर्शिता के साथ, और अभी शिक्षक की बहाली ही नहीं हुई, अब तो लोक सेवा आयोग ने तय कर दिया हर साल शिक्षकों की बहाली होगी, नियमित रूप से शिक्षकों की बहाली होगी, जैसे डिप्टी कलेक्टर का होता है, जैसे डीएसपी का बहाली हर साल होता है लोक सेवा आयोग से, वैसे ही अब हर साल शिक्षकों की भी नियुक्ति होगी। तो ये काम करने का तरीका है। लाइव बिहार YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक जरूर करें।